सिंगरौली में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर ऐतिहासिक शिव मंदिर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। सिंगरौली में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देर रात तक मनाया गया। जिले में कृष्ण भक्तों ने गाजे बाजे और पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। विभिन्न स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कुंदा पचौर ग्राम के ऐतिहासिक शिव मंदिर प्रांगण में शिव संगठन पचौर के अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी, युवा शक्ति के अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी के द्वारा दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उज्जैनी की रेड बुलेट टीम के कप्तान मोनू सिंह विजेता और पचौर टीम के कप्तान विनय दुबे को उप विजेता घोषित किया गया। विजेता व उपविजेता टीम को आयोजकों ने पुरस्कार भी दिए। शिव मंदिर के प्रांगण में 20 गांव के हजारों दर्शक मौजूद रहे। यही दही हांडी प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।